मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों चुनाव का बिगुल बज चुका है। आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। इसी पर हमारे संवाददाता गजेंद्र वर्मा ने एडवोकेट सुरेश धाकड़ से खास बातचीत की। शिवपुरी से गजेंद्र वर्मा की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। जनप्रतिनिधि है, उसे जनता का ध्यान रखना चाहिए और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहिए। विकास के लिए उन्हें शासन द्वारा काफी फंड दिया जाता है, उस फंड का पूरा उपयोग करना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करते हुए निर्माण पर ध्यान दें, विकास पर ध्यान दें। किस तरह का विकास होना चाहिए? विकास ये गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना चाहिए। आजकल सौर ऊर्जा बहुत सस्ती आ रही है, तो सौर ऊर्जा है, हरियाली के लिए वृक्षारोपण है, सरकार फंड दे रही है सबके लिए, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे हैं, बहुत सस्ते आते हैं। 12 DVR का कैमरा मुझे लगता है 50,000 रुपये में पूरा गाँव आपका कवर हो जाएगा। सुरक्षा के लिए घरों में ताले लगाने पड़ेंगे। स्ट्रीट लाइट है, कचरा गाड़ी है गांव में, कचरा गाड़ी गांव में चला देना चाहिए, डस्टबिन बांट देना चाहिए घर घर, कचरा गाड़ी हो जाएगी। साफ सफाई के लिए झाड़ू के लिए दो तीन लोगों की नियुक्ति करना चाहिए और सब पंचायत या जो भी निकाय है वो फंड देता है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। गाँव में सबसे ज्यादा गंदगी कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, जानवरों का गोबर उसे घूरा बोलते हैं, उसके 3-3 फीट की दीवार करा दें, उस दीवार से बाउंड्री हो जाएगी तो गंदगी बाहर नहीं निकलेगी, साफ सफाई रहेगी। उसके आसपास फेवर टाइल्स लगा दें, सड़क निर्माण के बाद जो खाली जगह बचती है पेवर टाइल्स लगा देना चाहिए, सुंदरता आएगी। शासकीय भवन है, बिल्डिंग है, वहां पर पेवर टाइल्स का निर्माण करना चाहिए। सबके लिए फंड देते हैं लेकिन नहीं करते हैं ये लोग। शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य तो दोनों चीजें जरूरी है। यदि आप शिक्षित तो होंगे तो स्वास्थ्य अच्छा ही रखेंगे। शिक्षा के लिए गाँव में कंप्यूटर व्यवस्था करके, अच्छे टीचरों तो है ही सब जगह, उन टीचरों की मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस अभाव में भी ध्यान नहीं देते हैं। पर ना गांव से जो बच्चे शिवपुरी में आ रहे हैं, बहुत पैसा खर्च हो रहा है पढ़ाई पे, और उसके बाद उनकी देख रेख नहीं हो पाती है। शहर में आके वहां पर रहेंगे, घर रहेंगे, माँ बाप के सामने रहेंगे और अच्छी शिक्षा मिलेगी, गुणवत्ता बढ़ाना चाहिए। ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा, उस पर क्या बोलना आपको? ये बहुत अच्छी बात है, आपने सही पूछा है कि रोजगार के लिए, क्योंकि जब तक रोजगार पैसा ना होगा व्यक्ति नहीं कर सकता है, अपना विकास नहीं कर सकता, परिवार का विकास नहीं कर सकता। रोजगार के लिए गाँव में छोटे छोटे लघु उद्योग कर देना चाहिए, जैसे कि दोना पत्तल है, कम पैसे में कम लागत में शुरू हो जाता है, अचार पापड़ बड़ी बनाना ये लघु उद्योग में आता है, अगरबत्ती निर्माण है, धूप बत्ती निर्माण है, ऐसे कई प्रोडक्ट फूड के हैं, कई प्रोडक्ट हैं, सरकार भी पैसा दे रही है, मैं काफी अनुदान भी देती हैं। कृषि के विकास के लिए कहना चाहूंगा मैं आपसे, ग्रामीण क्षेत्रों में है, कृषि को ध्यान देना चाहिए, कृषि को परंपरागत छोड़ के आधुनिक तरीके से करना चाहिए, जैसे कि फल फूल वगैरह हैं, केले हैं, संतरा हैं, जहाँ जिस जगह के हिसाब से जो होता होगा वो लगा के और नीचे खेती करने दो फसली लेना चाहिए। कृषि में किसानों को प्रशासनिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं किसी कारण से, तो किस तरह से उनको प्रशासनिक सुविधाएं? ये बहुत अच्छी बात है, ये सब वंचित रह जाती हैं जबकि फंड काफी आता है। इसके लिए जागरूकता थोड़ा सा प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए, गाँव गाँव में जागरूकता शिविर लगाएं और किसानों को जागरूक करें। किसान सबसे ज्यादा ये चक्कर लगाने में परेशान हो जाता है कि वो एक ऑफिस जाएगा दूसरे ऑफिस जाएगा, फिर वो परेशान हो गया और आर तक की वो रिश्वत पे बात वहीं अटक जाती है और रह जाती है। इस पर सरकार को पहल करके कृषि